हाय हेलो दोस्तों, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से हूँ आपके सामने। और आज जो ये अभी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक बार बात हो चुकी है। ग्रुप डिस्कशन, जिस चीज़ के ऊपर मैं अभी बात कर रही हूँ, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ देखें उसको, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है और आप भी जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, उन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करके चलेंगे। तो आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ग्रुप डिस्कशन के बेसिक्स क्या होते हैं, तो वो मेरी उस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं, तो प्लीज़ आप उसको ढूंढें। और अभी जो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर क्वेश्चन आया है किसी का, वो ये है कि ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं रैंडम। उन्होंने जब आपकी इंटरव्यू लेनी है या ग्रुप डिस्कशन में आपको बिठाना है, तो उन्होंने ये नहीं देखना कि आपने कितनी नॉलेज किसी चीज़ के बारे में शेयर की है। उन्होंने ये देखना है टॉपिक को आपने लिया कैसे है, उसको आपने शुरू कैसे किया, आपने दूसरों को अप्रोच कैसे किया। आप जब दूसरे बोल रहे थे तो उनकी बातों को टोका नहीं, आपने किसी की बात को पूरा सुना, उसको समझा और उसके बाद आपने उसकी बात के समझ के उसका जवाब दिया। तो ग्रुप डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन होती है जो किसी भी टॉपिक के ऊपर की जा सकती है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। टेक एन एग्जाम्पल, हमें एक टॉपिक दे दिया गया कि प्लीज़ टेल अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ, कि आजकल जो इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जितनी भी ये टेक्निकल स्टफ है, या इंटरनेट की इम्पॉर्टेंस बताएं हमारी लाइफ में, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। तो क्या होता है जब आपको ग्रुप में कोई भी टॉपिक दिया जाता है, तो अगर आप टॉपिक को लीड करना चाहते हैं तो आपको टॉपिक मिलते ही आप उस टॉपिक को शुरू करें, लेकिन रूडली नहीं कि एकदम से आप हाइपर होके बोलना शुरू कर दें। टेक अ मोमेंट, थिंक अबाउट इट कि आपको टॉपिक क्या मिला है और आपने उसके ऊपर क्या बोलना है। तो टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो, आप बोल सकते हो, तो आपने सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज ममता एंड टुडे वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक गिवन बाय द मैनेजमेंट, व्हिच इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इन आवर लाइफ। सो टू बिगिन विथ, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड सो मेनी थिंग्स हैव बीन डन इजिली विद द टेक्नोलॉजी। गूगल इज देयर, यूट्यूब इज देयर, फेसबुक इज देयर, वी आर कनेक्टिंग विद पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी सो इजिली। व्हाट डू यू थिंक? ये सिर्फ इस चीज की आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कि आपने ही पूरा रट्टा मारा हुआ आधा घंटा बोल दिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने अपना एक पॉइंट दिया, आपने शुरुआत की, आपने एक पॉइंट दिया और फिर आपने उसको हैंड ओवर कर दिया। प्लीज डू यू हैव समथिंग टू से? लेट अदर्स स्पीक एंड देन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग यू हैव टू लिसन टू देम। सो फॉर एग्जाम्पल, वो सामने जो आपके बैठा था या बैठी थी वो मैं हूँ, तो मैंने आपको बोला नो नो नो, आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजी इज वर्थ इट, आई लाइक ओल्ड स्कूल स्टाइल, आई स्टिल प्रेफर राइटिंग ऑन पेपर, आई स्टिल प्रेफर राइटिंग लेटर्स टू ईच अदर, आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजी इज गुड। तो मैंने एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया। अगर आपने आगे से मेरी बात को काट दिया या आपने मेरी बात को ऐसा कह दिया नो 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 यू आर रॉन्ग, नो 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 आई थिंक दिस इज द वे इट इज, फेल, सीधा फेल, तो आपके ग्रुप डिस्कशन आपकी आपने ठीक प्रैक्टिस नहीं की है। तो इसका एक अच्छा वे कैसे होगा? मान लीजिए आपने किसी को मौका दिया बोलने के लिए और उसने आगे से कोई रॉन्ग इनपुट डाल दिया, तो आपने उस बात को मॉडिफाई कैसे करना है? आपने उस चीज को मॉडिफाई ऐसे करना है, थैंक यू सो मच मिस ममता फॉर योर इनपुट्स, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट्स, बट दिस इज हाउ आई फील अबाउट टेक्नोलॉजी, आई वैल्यू योर कमेंट्स फुली, बट दिस इज हाउ आई फील, आई थिंक इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ and it's making our life easy. See, my parents, they never used phone. Now they are very confident. They talk to me whenever I'm away from them. They use Skype, they talk to men, they use Facebook. Their social life is getting better. So this is how I feel. And then again, hand it over to other person. What do you think, Miss Seema? What do you think, Mr. Vinod? So whatever they say, whenever they complete, because you are taking charge of the group discussion, so you have to thank them first. Thank you for your comments. गुड पॉइंट, अगर आपको किसी का पॉइंट अच्छा लगे उसको बोलो गुड पॉइंट, उसके पॉइंट को रिपीट करो, या सो यू सेड दिस, ओ इट्स अमेजिंग रियली। और जब जितना टाइम आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए दिया जाता है, मान लीजिए 20 मिनट दिए गए हैं, कोशिश करो 18 मिनट तक, थोड़ा टाइम भी रखना चाहिए, अपनी घड़ी की तरफ देखो। जब वो डिस्कशन किसी आर्गुमेंट में जाना शुरू हो जाए, मान लीजिए आप गलती नहीं कर रहे हैं, दूसरे दो लोग आपस में बहुत ज्यादा हीट अप मोमेंट पे आ गए, नो 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 यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग,
अगर आपने उसमें से पॉइंट लेने हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, गाइस लिसन, वी आर सिटिंग इन अ प्रोफेशनल प्लेस, वी शुड नॉट डू दिस, योर बोथ पॉइंट्स आर नाइस वैलिड, बट आई थिंक एंड आई फील दिस वॉज अ वैलिड पॉइंट एंड दिस वॉज नॉट, सो लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस, लेट्स राइट नाउ फोकस ऑन दिस बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन इज दैट इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ, इट्स मेकिंग आर सोशल लाइफ बेटर. Do you agree, Mr. Vinod? Do you agree? Do you agree? Do you agree? सबकी consent लेकर उसको आराम से wrap up करके आप उसको खत्म कर दें. As simple as that. Group discussion is not about how much knowledge you have. Group discussion is about how you talk, how you handle things, how you communicate, how to take others' concerns. दूसरों की बात को आपने कैसे सुना, समझा और उसके ऊपर कैसे जवाब दिया. तो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा. और प्लीज अगर आप ग्रुप डिस्कशन में जाने वाले हैं किसी भी एयरलाइन की इंटरव्यू देने के लिए, तो प्लीज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ के इसके ऊपर आप चर्चा करें, कोई भी रैंडम टॉपिक लें, लेकिन जो जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं उनको ना भूलें. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी वीडियोज को इतना प्यार देने के लिए. और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों को और सबको बोलिए कि जरूर करें. थैंक यू सो मच. यू हैव अ नाइस डे. बाय.